हर हर महादेव। मैं एडवोकेट कुशाग्र आजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे छोटे व्लॉग वाले सेगमेंट में। हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ सोच रहा था, सोचते सोचते मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। हम यहां पे डेरी पे बैठे हुए थे, मैं गाड़ी का कुछ काम करा रहा था। ये हमारे अमृत भैया, ये हमारे सुमित भैया बैठे हुए हैं। सुमित भैया बहुत बढ़िया इंसान है, सुमित भैया बहुत अच्छे कैमरे फिट करते हैं, सुमित भैया गाड़ी का सारा काम कर देते हैं। तो गाइस मैं ना बैठा हुआ सोच रहा था ऐसे ही, अभी मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले ये विटारा लेके आया हूँ जा करके। तो जैसे ही मैंने विटारा लेकर के आया मैं, तो मैंने ना एक चीज देखी कि जैसे कोई आया जैसे बोला भाई गाड़ी कितने की पड़ी, मैंने कहा जी इतने की। अगर कोई गली में चाचा है, बुजुर्ग हैं, वो मुझे बोल रहे हैं, वो वैसे मुझे नॉर्मली बात करते हैं, भाई मैं बच्चा हूँ तू करके बात कर रहे हैं और कुछ बेटा तू ठीक है ऐसे। अब मैं गाड़ी लेके आया, गाड़ी ला के मैंने खड़ी करी, शाम को कोई आ रहा है देख रहा है, तो मैंने ना एक चीज़ देखी कि भाई कितने की लाया हो गाड़ी, मैंने जी इतने की लाया हूँ। तो एकदम से ना लोगों का ना पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हुआ कि वो ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने लग गए मेरे को गाड़ी आने के बाद, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। ये गाड़ी बढ़िया लाए हो आप, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसे। मैंने देखा कि आजकल के लोगों में ना मटेरियलिज्म बहुत छाया हुआ है। मटेरियलिज्म बोले तो भौतिकवाद बोलते हैं शायद मटेरियलिज्म को। हमारी सोसाइटी ह्यूमन वैल्यूज पे ध्यान नहीं देती, एक ह्यूमन बीइंग की, उसके 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 संस्कार की, उसके लाइफस्टाइल की, उसकी सोच की, इस चीज की कोई कदर नहीं करता। कदर करते हैं मटेरियलिज्म की, उसपे कितने पैसे हैं, उसपे कितनी गाड़ियां हैं, वो कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है और कितनी गाड़ी लेके आ रहा है, कपड़े कितने महंगे पहन रहा है। मैंने ऐसा देखा कि जो इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है, वो एक इंसान की, उसके मॉरल्स की, उसके संस्कारों की, उसके विचारों की नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट है मटेरियल की, जो मटेरियल चीजें वो कैरी करता है ना अपने साथ, उसकी रिस्पेक्ट है कि भाई हमारे साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, कितने पैसे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या गाड़ी है। तो ये ना चीज गलत है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं सबसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा यार, मटेरियलिज्म वाली चीज को देख करके रिस्पेक्ट करना ना बहुत गलत है। कभी भी किसी की आपको रिस्पेक्ट करनी है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट इसलिए करो कि वो अच्छा इंसान है, ना कि इसलिए करो कि यार वो उस पर बहुत पैसे हैं या उस पर बहुत गाड़ियां हैं। मतलब मटेरियलिज्म के पीछे भागना ना बंद करना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई इंसान अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, वो बोलचाल में बहुत अच्छा है, इन बातों की तरफ अट्रैक्ट हो गए ना, इन बातों की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि मटेरियलिज्म की वजह से। क्या लस्सी बना के लाए हो तुम? लाओ दो लस्सी पी लेंगे हम तो। बॉबी भाई, ये हमारे बॉबी भाई हमारे लस्सी बना के लाए हैं, देखो सेन आए। ये है देखो बॉबी बाबा का प्यार लस्सी। अब बेसिकली क्या है, मटेरियल ना एक ऐसी चीज होती है कि जो मटेरियल ना कभी भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। भाई मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, केसेस भी देखता रहता हूँ कोर्ट में, और बहुत सी चीज होती है कि भाई कुछ समय पहले वो भाई बहुत, उनपे तो बहुत पैसे थे, एकदम से कोई ऐसी ड्रिफ्ट आई लाइफ में, मोमेंट ऐसे क्रिएट हो गए, चीजें ऐसी हो गई कि भाई पैसे उनके खत्म हो गए, बहुत दिक्कत हो गई। अब वो एकदम से फ्रॉम बीइंग रिचेस टू अब वो एकदम से पुअर हो गए। आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो बहुत रिच है, तो क्या अगर वो पुअर हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, तो क्या आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? एक्चुअल में यही हो रहा है, क्योंकि लोगों को लोग उस इंसान की तो रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, उस इंसान की तो वैल्यू कर नहीं रहे। वो बेसिकली रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, उसके मटेरियल की, उसके लाइफस्टाइल की, उसके पैसे की। सपोज करो भाई, मैं किसी को नहीं बोलता, अपने आप को बोलता हूँ, मेरा कोई बहुत बुरा टाइम आ गया, तो मैं बेसिकली लोगों को ये चाहता हूँ कि यार मेरे को ना सब, जैसे अभी सब भाई बैठते हैं साथ, वो मुझे कहते हैं कुछ भाई आप हमारे भाई हो, कोई छोटा भाई मानता है, कोई बड़ा भाई मानता है। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि लाइफ में ना मटेरियल को साइड रख के लोग ह्यूमंस की वैल्यू करें, अपने रिश्तों की वैल्यू करें, अमीर गरीब को ना देखें। मटेरियलिज्म बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि जब इंसान पे बहुत कुछ होता है और फिर जब वो बहुत कुछ खो देता है और फिर जब वो देखता है ना कि यार लोगों का बिहेवियर पहले ऐसा था मेरे प्रति, अब मेरे प्रति ऐसा है, तो बहुत ठेस पहुंचती है लोगों को यार। ये चीज़ शायद हमें शायद ऐसी सिखाई गई है सोसाइटी में, या हमने ऑप्ट कर लिया है कि भाई इंसान की तो इज्जत कोई कर ही नहीं रहा। बस मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मटेरियल की रिस्पेक्ट नहीं होती, मटेरियल बहुत 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 टेम्परेरी चीज है। अगर आपको रिस्पेक्ट करनी है, तो उस इंसान के उसके उसके मॉरल्स की करो, संस्कारों की करो, उसकी विचारधारा की करो, वो जेन्युइन रिस्पेक्ट है। और अगर कोई इंसान वो अर्न कर लेता है, चाहे वो बर्बाद हो जाए, उसको सब कुछ खत्म हो जाए, वो रिस्पेक्ट कभी नहीं जाएगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यार मटेरियलिज्म छोड़ दो ना, मटेरियल के पीछे भागना चकाचौंध में आकर के किसी की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो बस हर हर महादेव। जो आज तेरी शान में है, कल हो सके कि ना रहे, कदम जो आसमान में है, कल हो सके कि ना रहे, जो फैसले हैं हक में तेरे,
कभी तरसा होगा रात भर, समय की माया कौन जाने, कल हो सके के ना रहें। समय की माया कौन जाने, कल हो सके के ना रहें।